श्री कृष्ण कन्हैया लाल की कृष्णकैया की श्री प्राणनाथ प्यारे की क्यों एना ए ना हो हर सतन श्री कृष्ण लाल की अक्षराते ताम के चरण कमल का वर्णन चल रहा है चकलाई चरण की भूषण छवि अनुपम श्री राज्य के चरणार की शोभा बहुत ही सुंदर है कोमनीय शोभा है उसके आभूषण आभूषण भी बड़े ही सुंदर है जिसकी कोई उपमा नहीं दी जा सकती दिलताही के आवसी जाके मुतलक कम है श्री राज्य के चरणों की स्वयं की शोभा और उनमें जो जो आभूषण है उनकी शोभा उन्हीं ब्रह्मात्माओं के हृदय में अंकित होंगे जिनके ऊपर श्री राज्य की स्पष्ट रूप से महर है निश्चित रूप से महर है कृपा है जो हो वे अरवार शकी सो इन कदम तले व जो परम धाम की आत्माएं होती है वो इन्हीं चरण कमलों में रहती हैं शराब चढ़े दिलावत सोरुह निष दिन रहे अलमस्त यदि राज्य के चरणों का चरणों की मस्ती तो ये शराब कहने से उसमें श्री राज्य के चरणों के प्रति प्रीति होने से एक प्रकार की मस्ती आती है उसके लिए कहते हैं तो जिनके दिल आवत जिनके हृदय में ये चरण कमल अंकित होते हैं तो उनका उनकी तो मस्ती है वो बढ़ती रहती है शराब चढ़े दिल आवत तो जो दिल आवता ये पहले समझना राज्य के चरण जब उनके हृदय में अंकित होते हैं तो फिर उनको मस्ती चढ़ती रहती है सो रु न रहे मस्त। ऐसी आत्मा रात दिन मस्ती में रहती है निम्ख न छोड़े चरण को मोमिन न जो कोई जो ब्रह्म आत्माएँ होंगी परमधाम की आत्माएं होंगी वे इन चरणों को कभी भी छोड़ती नहीं है निमिष मात्र के लिए भी नहीं छोड़ती है निश न रहे खुमार में आवता है चरण बोए वे तो निरंतर खुमार में खुमार का तात्पर्य एक प्रकार से गहन तो उनको नशा चढ़ा हो तो किसी उतरता ही नहीं है ना तो जिनको राज्य के प्रेम का नशा चढ़ा हो तो वो उतरेगा ही नहीं तो बस उसी मस्ती में वो होती रहती हैं तो उनको निरंतर इन्हीं चरणों की सुगंध आती रहती है महासुक के चरणों का किया बेवरा वर्णन अक्षराते तमधन्य के चरणार बिंद का वर्णन इस प्रकार किया जीव उड़िया चाहिए कहते वैसे तो ये वर्णन क्या किया उनके चरण की एक रेखा छोटी सी उतने मात्र का वर्णन करने पर भी तो ये जीव उड़ जाना चाहिए आत्मा शरीर को छोड़ देने चाहिए हाय हाय क्यों रहे मोमिन तन्न तो परमात्मा को रेधा है इस प्रकार कैसे टिका रहता है तो मतलब कैसे फटता नहीं है इतना भी वर्णन नहीं हो पाता है तो ये तो राज्य करवा रहे हैं इसलिए हो रहा है राज्य के हुक्म से हो रहा है ये कहना चाह रहे हैं हाथ पाऊं मुख है अड़ा वस्त्र भूषण कसूरत तो सर राज्य का चरण कमल, कमल मुख अड़ा वक्षस्थल वस्त्र भूषण ये संपूर्ण तो राज्य के स्वरूप में राज्य के शरीर में जो जो वस्त्र आभूषण वगैरह हैं उनका अंग प्रत्यंग ए ले ले अर्श बारे की हाय हाय हाँ, हाँ, रूह क्यों न जागत परम धाम की इन सूक्ष्मता को विचार करते हुए बड़े खेत की बात है आत्मा क्यों जागृत नहीं हो रही है तो आत्मा को जागृत होना चाहिए जो जो तकों अंग न देव निमुना नरम पश्म तो सरराज्य के आभूषणों में जो भी सरराज्य के अंगों में जो भी आभूषण है उन उनका रत्न है उसकी ज्योति की बात करें तो भी कितना है कितने ज्योति कैसी उस चमक है ये कह नहीं सकते देव न्यम निमुना नरम पश्म तो ये आभूषण का उदाहरण देते हैं यदि ये तो बड़े ही कोमल हैं ये तो पश्विना की तरह से हैं ऐसा कहें तो भी तो ये शब्द उसके लिए पर्याप्त नहीं है ये तो अरस पत्थर या जानवर शो क्यों पहुँचे अरस आत्म पर आत्म तो ये अब ये ऐसे हैं ये इनके रत्न रत्न ऐसे हैं इतने नरम हैं इस तरह की बात करें ये तो परमधाम के ये तो अरस पत्थर ही परमधाम के पत्थर हैं अथवा तो जानवर हैं तो सो क्यों पहुँचे परात्मा वो परात्मा तक भी नहीं पहुँचते हैं परात्मा भी उससे विशिष्ट है परमात्मा का मूल स्वरूप है वो भी जो परात्मा पहुँचे नहीं सो क्यों पहुँचे हक अंग को जब परात्मा तक ही नहीं पहुँचते हैं उनके ही उनका ही उदाहरण नहीं दिया जा सकता तो फिर राज्य के अंग के आ, उससे तो राज्य के अंगों की शोभा कैसे बताई जा सकती है खिलौने और खाबंद बड़ी तफावत इनों तो ये सब आभूषण हो वस्त्र हो अथवा तो जानवर वगैरह हो ये सब श्री राज्य के खिलौने हैं और स्वयं है उनके स्वामी खिलौने और खाबंद स्वामी और तो ये उनके प्रयोग में आने वाली वस्तुएं उनके खिलौने दोनों में बड़ा फर्क है तो राज्य का स्वरूप तो इतना विशिष्ट है ये सब जो कुछ बताया जा रहा है वो तो हम समझ पाए किसी न किसी तरह से उसके लिए है तो यथार्थ में उनकी तुलना के लिए नहीं है ये तो ब्रह्मात्माओं को समझाने के लिए है जैसे जैसे अनुभव हो जाएगा तो उस समय फिर ये शब्द तो उनको कुछ लगेंगे ही नहीं तो उनको जो अनुभव होगा उस मस्ती में रहेंगे जीत आदि अंत न पाइए की कहो ये क्यों करे जहाँ जिसका आदि और अंत ही नहीं है ऐसे दिव्य परमधाम को निश्चित ही ये है ऐसा करके कर नहीं बोल सकते वहाँ के कोई भी वस्तु है उसको हम फिक्स नहीं कर सकते बस ये तो ऐसी ही है नहीं बोल सकते ये तो सब दफा ना क्या कहे जीत पाइए न अबल आखर तो जहाँ के जहाँ आदि अंत का ही कोई पता नहीं है उसके वर्णन के लिए ये नश्वरता के शब्द नश्वर जगत के शब्द है। वो क्या कह सकते हैं ये निर्णय करना अर्श का तीन में भी अकजात परमधाम का निर्णय करना और उसमें भी राज्य के अंगों का अकजात कहने से श्यामा जी परमात्माएं भी तो उनके अंग ही हैं उनसे अलग नहीं है फिर भी ये तो श्रीराज्य के स्वरूप में उनके अंगों का वर्णन कर करते हैं तो इत नूर अकल भी क्या करे अक्षर ब्रह्म के बुद्ध इत नूर अकल मतलब ये दुनिया की जो अक्षर ब्रह्म की बुद्धि जो दुनिया में आई है स्वप्न की ये क्या कर पाएगी जित लुदन्नी को खाता जिसके लिए लुधनी आ, है तो जागृत बुद्धि है वो भी गोता खाएगी तो स्वप्न की बुद्धि क्या बता सकती है जबेर ऐसे से भी नहीं कया अरस में यदि ये, ये बता दें कि जो जवाहरात वगैरह या तो भूमि से प्राप्त होते हैं तो परमधाम में तो वो भी ऐसा नहीं है चौदह तबक उड़ावे अरस कंकरी परम का परमधाम का तो एक कण भी चौदह लोग से विशेष होता है चौदह लोग उसके समक्ष कुछ भी नहीं होते ये तभी बोलना ना ही था थे इसलिए भी बोला नहीं जा सकता शब्दों के द्वारा तो बताया नहीं जा सकता जित चीज़ नहीं पैदा नहीं ना कबू पुरानी होए तो जहाँ कोई चीज नहीं नहीं है ना तो कभी कोई पुरानी होती है त शब्द जुआ जो बोलिए ठौर न रही कोए तो वहाँ उसके लिए तो इस जिह्वा से क्या शब्द बोलें जिसका कोई इन शब्दों का तो ठिकाना ही नहीं है इस जिह्वा से बताने वाले शब्द जिह्वा से निकलने वाले शब्द परमधाम के किसी भी स्वरूप का वर्णन नहीं कर सकते जो कहूँ हक का दिल का तो ये तभी शब्द बंधा है यदि ये, ये कहें कि ये तो राज्य जैसा चाहते हैं उसके अनुरूप ही बनते हैं तो उसमें भी तो हम शब्दों से तो हम शब्दों की सीमा में लाने का प्रयत्न कर रहे हैं अर्श सो किसी भी दर कही न जाए इसलिए परमधाम की जो सूक्ष्म बातें हैं, किसी भी प्रकार से कही नहीं जाती है चुप किए भी ना बने हुकुम इल्म आया तो यदि ना कहें चुप कर बैठ जाएं तो मौन रहे तो, तो भी नहीं बनेगा क्योंकि श्रीराज्य का आदेश भी आया है और ज्ञान भी आया है और काम इनको नहीं जो अर्शारवाह लय हो तो जो जो लोग परमधाम की की आत्माएं ऐसा स्वयं का दावा करते हैं तो उनका और काम भी क्या है तो अक्षराते धाम धनी के स्वरूप का उनके अंग प्रत्यंगों का वर्णन न करें तो और क्या काम है इसलिए वर्णन कुछ तो करना ही पड़ेगा इल्म कया जो लुदरनी सोतो तो हक का मुतल जो तारतम ज्ञान कहा है तो वो भी अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का ही दिया हुआ है इसलिए इतमोम मिला पूछ सी क्यों रही रूहों को शक तो सब जब ब्रह्मात्माएँ जागृत होंगी तब वो पूछेंगे कि ब्रह्मात्मा को शंका क्यों हो रही है तो उनको शंका कैसे हो गई शंका तो ऐसे होनी नहीं चाहिए जो अरस बातें सक हमको तो हके हाक, क्यों कया अरस कलभ यदि परमधाम के बातों में किसी प्रकार की शंका हो तो ऐसे परमात्माओं के हृदय को परम धाम अक्षराते ने क्यों कहा वो तो कहे तो कहते ही नहीं है तो जब ब्रह्मात्माओं का हृदय परमधाम बनता है तो उसमें कोई उनमें कोई शंका रहती ही नहीं है मोमिन कहे इन आशिकों हक ब्रह्मात्माएं तो मूल मिलाव के अंदर ही बैठी हुई हैं। इन आशिकों और इनके इन आशिक इन अनुरागि आत्माओं के सच्चे स्वामी तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ही है मेहबू आशिक है, एक कहे वाये दत्त भी एक कहलाए तो एक तरफ तो श्रीराज्य और ब्रह्मात्माओं को एक ही अंग कहा है और दूसरे तरफ ये अद्वैत स्वरूप है तो उनके अंग का एक तरफ तो आशिक और मासिक की बात कही दूसरे तरफ एक ही अंग है ऐसा कहा अरश भी दिल मोमिन तो ये तो मिले तीनों विराय आए तो परमधाम भी ब्रह्मात्माओं का ही हृदय है इसलिए तीनों बातें हैं तो यहाँ पर आकर के मिल जाती है कि तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा और इधर श्यामा जी और ब्रहमात्माएँ और परमधाम तो ये सारे के सारे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के अंतर्गत ही हैं तो इसलिए ये अलग अलग ऐसे नहीं हैं तो अखंड में इस प्रकार से समझना चाहिए तो ये कह रहे हैं और वे कहो सो सुनो मोमिन अरस से आए उतर दूसरी बात भी कहते हैं यही ब्रह्मात्मा परम धाम से इस जगत में उतरी है इल्म दिया है कि अपना उन उनके लिए पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने अपना ज्ञान दिया अब इनो जुदे कहिए क्यों करा तो उनको पूर्ण ब्रह्म से अलग कैसे कह सकते हैं मान आया इनो पर आमद इनो सिरदार इन्हीं ब्रह्मात्माओं पर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का आदेश आया है इनके लिए ही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का आदेश आया है जितने भी शास्त्र हैं ये सारे इनके लिए है और ब्रह्म ज्ञान तारतम ज्ञान इनके लिए है इसलिए कहते हैं ना जा माया रचित शास्त्र भी कारण शास्त्रों की रचना भी उनके लिए ही हुई है खेल भी सोई देख सी और अर्थ भी लेसी इन तो उसका तात्पर्य भी यही समझेंगे शास्त्रों का अर्थ भी और ये खेल भी क्यों दिखाया है? ये सब ही समझ पाएंगे तो इसलिए फुरमान भी इनके लिए आया है अहमद इन सिरदार इनके सिरेदार हैं अहमद कहते हैं कि जिन्होंने अपना आनंदात्मिक आनंद का अनुभव किया हो तो इसलिए तो इनको सतगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज के लिए ये तो इस प्रकार के शब्द प्रयोग हुए हैं ऐसा कहते हैं तो ये निजानंद आत्मिक आनंद तो आत्मिक आनंद लेने वाले निजानंद स्वामी तो वो श्री श्यामा जी निजानंद स्वामी के रूप में प्रकट हुए हैं तो ब्रह्मात्माओं की शिरोमणि यही है हमी ना कछुए ना रखे इन्हों दुनिया करी मुरदार तो इन्होंने तो दुनिया को तो ये नाशवान ऐसा मान लिया तो उनके सामने सच्ची वस्तु है तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। तो उनके अतिरिक्त तो कोई किसी वस्तु को सत्य नहीं समझती ए सब बुजी इन्हों की क्यों जुदे कहिए वाये रत तो ये सारी समझदारी सारी महिमा इन लोगों की बताई गई है इसलिए ये परमधाम की अद्वित भूमिका से भिन्न कैसे कहलाएंगी इन्हें कुन् की दुनिया क्या जाना ही जो स्वप्न की दुनिया है कुंड की दुनिया कहने से ऐसा तो ऐसे ही कल्प कल खाना पूर्ति के लिए बना दिया तो इस प्रकार की दुनिया उनको कैसे समझ सकती है रोए अरसाहष्वर तत्व तो ये ब्रह्मात्माएँ तो परमधाम की है और पूर्ण ब्रह्म परमात्मा से संबंध रखने वाली है तीन से अरस मता क्यों छिपा रहा है ऐसे ब्रह्मात्माओं से परमधाम की सामग्री कैसे छिपी रहेगी वो तो समझेंगे ही जो दिल अर्शकया मोहमेने जिनका हृदय परमधाम का है उनके उनसे परम धाम की कोई वस्तु तो छुटनी नहीं चाहिए एक जरा न छिपे दिल से ए देखो फुरमान वचन तो ऐसे परमात्मा के आदेश पूर्ण वचनों में ये कहा गया है कि इन ब्रह्मात्माओं से कोई भी बातें छिपी नहीं रहेगी वो उनको स्पष्ट हो जाएगी बक्का पटक इन्हें न खोलिया अबल से आज दिन तो परमधाम का पट किसी ने नहीं खोला मतलब तो आवरण तो दुनिया का ही है तो दुनिया के आवरण को हटाकर कोई परमधाम तक नहीं पहुंच पाया हाय हाय तन न हुआ टुकड़े करते जाहिर एवतन ऐसे दिव्य परमधाम को जाहिर करना तो लोगों को समझाना तो समझाते हुए तो ये बड़े खेत की बात है ये शरीर टुकड़े टुकड़े होकर के नहीं गिरा अरश बक्का द्वार खोल के करी जाए रहा का सूरत परम नाम के द्वार को खोल करके अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के स्वरूप की बात कही है अंग मेरा रहा अचरज में द्वार खोलते बाहि अद्वैत भूमिका के द्वार खोलते हुए तो ये मेरे अंग आश्चर्य में रहा मतलब ये शरीर मन बुद्धि तो ये सब ना बुद्धि खास तो ये कहना पड़ेगा तो मुझे भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि यह कैसे हो रहा है ये तो हमसे होने वाली बात ही नहीं है तो लगा कि राज्य करवा रहे हैं ये कहना चाह रहे हैं मेरी रूहें कया आगे रोहन मेरी ने दूसरे मेरे आत्मन दूसरों को कहा सुने मैं हक के मुख इलम मैंने श्री राज्य के मुखारविंद से वचन सुने और फिर दूसरों को बताया ये बात कहते तन तनना फटिया ये बात कहते हुए तो ये शरीर छोटा नहीं हाय हाय ये देखा बड़ा जुल्म तो ये वास्तव में देखा जाए तो बहुत बड़ा अपरा अपराध है जुल्म का तात्पर्य कि क्या अनर्थ हो गया तो ऐसे अब ये अभी शरीर अभी तक टिका रहा है फटना चाहिए था यूँ चाहिए को रु उड़े सुनते का नाम पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की बात सुनते उनका नाम सुनते ही तो तुरंत तो शरीर छुट जाना चाहिए था बेशक आरस के हो के क्यों खाए पिए करे आराम परमधाम के कहला करके फिर तो परमधाम में जागृत ना होकर के दुनिया में खा पी करके मस्ती कर रहे हैं तो ऐसा कैसे संभव है तो परमधाम में जागृत होना चाहिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की क्यों खाए पिए करे, करे आराम यो चाहिए यो चाहिए मोमिन को सुनते रूह उड़े सुनते हा बेशकार रस के हो के क्यों खाए पिए करे आराम